हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज पिछले सेशन में हमारी कंप्लीट हुई थी, अब उसके आगे के कुछ टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। देखो बच्चों, जो भी एक्सरसाइज आती है हमारी, वो कुछ टॉपिक्स पे बेस्ड आती है। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके आधार पे हम क्वेश्चंस करते हैं। यही हमारा पैटर्न रहता है। तो इसका मेन एम क्या है बच्चों, कि पहले आपको सारे बेसिक्स आ जाएं, उसके सारे चीजें आप समझ जाएं, उसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चन करो तो उस चीज की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर चल रहा है सेट्स। तो अब बच्चों जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम सेट्स में, उसका नाम है बच्चों उप समुच्चय। क्या नाम है उसका? उप समुच्चय। उप समुच्चय को हम बोलते हैं सबसेट। उप समुच्चय को क्या बोलते हैं बच्चों? सबसेट्स भी हम बोलते हैं इनको। अब देखिए क्या होते हैं ये उप समुच्चय, कैसे आप समझेंगे? एक उदाहरण की मदद से हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं और उसकी मदद से हम समझेंगे कि उप समुच्चय क्या होते हैं। तो एक सेट लेते हैं हम, मान लीजिए एक्स है। इसमें क्या बोलते हैं कि आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। सभी विद्यार्थियों का समुच्चय यानी जितने आपके विद्यालय में विद्यार्थी हैं उन सभी का सेट यहाँ पे बोला गया है, उसके बारे में बात हो रही है। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये वाई सेट हो गया। इसको हम बोल सकते हैं आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थी का समुच्चय। अब बच्चों ये दो सेट हैं आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़ो दोनों को कि क्या लिखा है। एक में तो लिखा है कि आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब क्या हुआ कि आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं, उन सब का एक सेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी आपके स्कूल में हैं, और अब उस स्कूल में ही, उसी स्कूल में कोई कक्षा है, बहुत सारी कक्षाएं हैं, ठीक है, उसमें से आपकी कक्षा कौन सी है? 11वीं कक्षा है। तो उसके सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ये दो सेट्स आपको दिया गया है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जितने भी आपकी कक्षा में विद्यार्थी हैं वो आपके स्कूल के विद्यार्थी भी तो होंगे, मतलब जो आपकी कक्षा कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भाई इस स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो उस स्कूल के अंदर ही तो आते हैं कक्षा 11 के विद्यार्थी। ये चीज आप समझो कि बात मैं कहाँ पे ले जाना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बोलें वाई को कि वाई एक्स का उप समुच्चय है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? क्या वाई एक्स का उप समुच्चय? उप समुच्चय है। तो
तो क्या ये बात सही है? देखिए, अगर y के सभी एलिमेंट्स x में आते हों तो वो समुच्चय हो गया, नहीं तो नहीं हो गया। तो बिल्कुल आते हैं। अगर कोई कक्षा 11 में स्टूडेंट्स हैं तो वो उस स्कूल के भी तो स्टूडेंट्स होंगे, तो उसके सारे क्या हैं एलिमेंट्स, y के सारे एलिमेंट्स x में भी होंगे। बस यही चीज है, इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो y है वो सबसेट है x का। तो सबसेट का सिंबल बच्चों ये होता है, बिल्कुल हम ऐसे रिप्रेजेंट इसको सबसेट को करते हैं। तो इसको प्रॉपरली हम बना देते हैं, सबसेट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं y इज सबसेट ऑफ x, यानी x का सबसेट क्या है y। तो y के, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि y अगर x का सबसेट है तो इसका मतलब y के सभी अवयव y के सभी अवयव x में होंगे, x में मौजूद होंगे, ठीक है। मैं अगर बोल रहा हूं कि y इज सबसेट ऑफ x, इसका मतलब ये है कि y के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवयव हैं, वो x में प्रेजेंट होंगे, तभी मैं इसको y को x का सबसेट बोल सकता हूं। तो अब बच्चों यहां पे आती है इसकी परिभाषा, एक बारी हम इसकी परिभाषा की तरफ ध्यान देते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा है, यदि समुच्चय a का, इस बारी हम समुच्चय a और b लेके चलते हैं, पहले अभी हमने एग्जाम्पल में x और y समझा, हम यहाँ पे a और b मान लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव, अवयव यानी एलिमेंट समुच्चय b में समुच्चय b का भी एक अवयव है, मतलब समुच्चय a का जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय b का भी एक अवयव है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो a b का उपसमुच्चय कहलाता है। अब इसका सिंबल बच्चों आपको पता है कि सिंबल कैसे लिखते हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तरीका है बच्चों इसको दर्शाने का, यही होता है उपसमुच्चय। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और है, देखिए यदि a, a क्या है, a मान लेते हैं समुच्चय a का कोई एलिमेंट है, तो वो a को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो a b को भी बिलोंग करेगा, तभी a b का सबसेट कहलाएगा। ये चीज आप बच्चों ध्यान में रखें। अब बच्चों आगे हम करते हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है, ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि प्रत्येक समुच्चय, हर समुच्चय अपने आप का क्या है, स्वयं का उपसमुच्चय है। अर्थात जैसे यहाँ पे a की बात कर रहे हैं तो ये बोल सकते हैं आप कि a इज सबसेट ऑफ a, ठीक है, अपने आप का समुच्चय तो होगा ही क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है।
तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी, जो रिक्त समुच्चय फाइ में कोई अवयव नहीं होता, इसलिए प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि फाइ में कोई एलिमेंट नहीं होते। क्यों? फाइ क्या होता है, किस चीज को हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद है? बताइए कि कौन से सेट को हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, याद आया? तो जो रिक्त समुच्चय है वो क्या होगा, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट होता नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए कि कुछ हम एग्जाम्पल की मदद से हम कुछ चीजें और सीखते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो मान सकते हैं, एक सेट हम मान के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, माना ये एक समुच्चय है, इसमें एलिमेंट्स देखते हैं 1, 2 और 3, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये अवयव हैं इसके। अब देखिए, अगर इसका क्या बोलते हैं, ये किस किस का सबसेट हो सकता है, ये यहाँ पे मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो ये किस किस का सबसेट हो सकता है, फाई का ये सबसेट हो सकता है, मतलब फाई इसका क्या है, सबसेट यहाँ पे हो सकता है। जो ए का सबसेट होगा, फाई बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर मैं 1 लिखूं तो 1 भी तो इसका सबसेट होगा, और क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 1 और 2 भी हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है। देखिए, ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, जितने भी अवयव दिख रहे हैं, वो समुच्चय ए में मिलेंगे आपको। ठीक है, इसीलिए 2 और 3, 1, 2, 3, ये किस लिए, क्योंकि अभी बात हुई थी कि प्रत्येक समुच्चय अपने आप का भी सबसेट होता है, अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी उपसमुच्चय की डेफिनेशन खत्म होती है। अब बच्चों, एक चीज और आती है आपके सामने, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं जो अभी तक हमने सीखा है, तो वो हम उदाहरण की मदद से यहाँ पे उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, सबसेट पे बेस्ड है, उपसमुच्चय पे बेस्ड है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपको ये कितना समझ में आया है उपसमुच्चय का टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो ये यहाँ पे आपके समुच्चय लिखे गए हैं, कौन से कौन से, देखिए एक तो फाइ है, फिर ए बी सी, इनके एलिमेंट्स की तरफ आप ध्यान दीजिए, इनके जो अवयव हैं वो देखिए। समुच्चय ए में जो फाइ है वो तो एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। फिर समुच्चय ए है, उसमें क्या क्या आता है, 1 और 3। समुच्चय बी में क्या आता है, 1, 5 और 9। समुच्चय सी में क्या है, कौन से एलिमेंट है उसके, 1, 3, 5, 7 और 9, ये सब एलिमेंट हैं। तो अब बच्चों आपको ये बताना है कि कौन सा सेट उपसमुच्चय होगा और कौन सा नहीं होगा, यानी यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो ये यहाँ पे आपको बताना है क्या फाइ बी का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले फाई का क्या बताया था हमने, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि जो फाई है वो क्या हो सकता है, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। तो फाई तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बोल देंगे कि फाई बी का उपसमुच्चय है। तो कोई भी सेट हो फाई का, अगर ए के साथ आ जाता तो यहाँ भी आप लिखते फाई ए का भी सबसेट है, फाई सी का भी सबसेट है बच्चों। ठीक है, फाइ सी का भी सबसेट है, तो फाइ सब का सबसेट होगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से फाइ बी का सबसेट है, आपको पता लग गया। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब पूछा गया है क्या ए बी का सबसेट है, ये बताइए आप, क्या ए बी का सबसेट है? तो ये कैसे पता लगेगा ए बी का सबसेट है या नहीं, तो ए के हम एलिमेंट्स देखेंगे बच्चों। ए के क्या है, एलिमेंट्स 1 और 3, 1 और 3। तो अब ये देखना है क्या ए के सभी एलिमेंट्स समुच्चय बी में है। देखिए, ए है समुच्चय बी में, 1 लिखा हुआ है, लेकिन 3 तो नहीं है ना, 3 नहीं है,
इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लगती, तो हम बोल देंगे कि जो ए है वो समुच्चय बी का सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट वाला देखें आप, क्या अगला आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है थर्ड पार्ट, तो उसमें क्या आप बता सकते हैं कि ए सी का सबसेट है या नहीं है, सीधा आपको चेक करना है। देखिए कि कौन कौन बच्चा कर पाता है इसको, जल्दी से आप करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो क्या ए सी का सबसेट है, क्या पता लग रहा है आपको देखने से? तो हम फिर से क्या करेंगे बच्चों, अवयव कंपेयर करेंगे, इनके एलिमेंट्स हम इनके कंपेयर करेंगे। तो सेट ए है, इसमें कौन से एलिमेंट हैं? देखिए आप, सेट ए में एक है और तीन है, अभी हमने देखा था सेट ए में एक और तीन है। तो क्या सेट सी में भी एक और तीन दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं बच्चों, देखिए एक और तीन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट सी में हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय सी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे ये सिंबल आएगा, जहां पे इसको काट दिया बच्चों, मैंने सबसेट बना के काट दिया, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, ये मतलब होता है इसका। उसके बाद बी और सी ये बताए गए हैं, तो इनको बताइए क्या बी सी का सबसेट है या नहीं है। तो फिर से आप एलिमेंट कंपेयर करेंगे, अब तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही आसान हो गई है ये चीज। तो बताइए कि क्या पता लगता है, बी सी का सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, देखिए बी में एक, पांच और नौ है, सी में एक ये रहा, पांच ये रहा और नौ ये रहा, तो तीनों इसके एलिमेंट्स हैं, यानी बी बी सी का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां देखिए हमें पता लग जाता है, देखते ही हम बता सकते हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया है आपको, मान लीजिए जो ए है, ये सेट ए दिया हुआ है आपको, A E I O U क्या होते हैं बच्चों, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है बच्चों, इसमें वोवेल्स होते हैं। और क्या बोला गया बच्चों, B आपको दिया हुआ है A B C D, क्या A B का उपसमुच्चय है? आप बताइए, अभी हमने इतने सारे इस पे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप बताइए क्या A B का उपसमुच्चय है, और नहीं है तो क्यों नहीं है बताइए। तो इसके बच्चों हम एलिमेंट्स कंपेयर कर देंगे, क्या करेंगे, एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे। तो ए में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ए ई आई ओ यू ओ यू, क्या ये बी में भी है एलिमेंट्स? ए तो है, बी सी डी, ना तो ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्योंकि, बिकॉज हम कारण यहां पे लिखेंगे बच्चों, रीजन लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ए के प्रत्येक, ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी का सबसेट नहीं है, यही तो पूछा गया है कि क्या ए बी का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है बच्चों। अब देखिए आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या यह सत्य है कि ए सी का सबसेट है या नहीं है, ये आपको बताना है बच्चों। तो क्या होगा,
क्या आप बता सकते हैं? तो इसमें बच्चों हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहां पे हमसे कि बोला है कि मान लीजिए ए बी और सी तीन सेट हैं, ठीक है, तीन सेट हैं, और बोला गया ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग करता है बी को और बी सी का सबसेट है। तो दोनों चीज अलग अलग हैं बच्चों, ये चीज ध्यान रखना कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बी को बिलोंग करता है और बी सी का सबसेट है। तो क्या यह सत्य है कि ए सी का सबसेट होगा? ए सी का सबसेट होगा, इस पे आपको कमेंट करना है। तो हम एलिमेंट्स मान लेते हैं बच्चों, सेट ए मान लेते हैं। सेट ए क्या हो गया? इसका एलिमेंट एक है, सेट ए का एलिमेंट एक है। तो अगर हम बोलें कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट बी है उसको हम क्या मान सकते हैं? एक तो बच्चों हमें एक तो मानना ही पड़ेगा, क्या? एक तो मानना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए ये किस में है? कोष्टक में है, तो इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है। और इसके अलावा हम ये तो हमें मानना ही पड़ेगा अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो, और उसके अलावा हम और कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने इसका एलिमेंट दो मान लिया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या की गई है? दूसरी बात यहां पे बोली गई है कि जो बी है वो सबसेट है किसका? सी का। बी सी का सबसेट है, ये बोली गई है। इसका मतलब हम सेट सी क्या मान सकते हैं? सेट सी की जहां पे बात आती है तो हम सेट सी मान सकते हैं। देखिए सेट सी को हमें ये तो मानना ही पड़ेगा जो सेट बी है वो तो होगा ही, उसके अलावा और कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे मैंने तीन ले लिया इसमें, ठीक है, ये दो चीज तो होंगी ही। अगर सेट बी सेट सी का सबसेट है तो ये कोस्टर में एक और दो तो होंगे ही, क्यों? क्योंकि बी में ये है तो सी में भी होने चाहिए। इसके अलावा हम और कुछ भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो अब देखिए क्या ए सी का सबसेट है? नहीं, ये सही नहीं है, यह सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों क्यों सही नहीं है? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव सी में क्यों नहीं है? देखिए अगर खाली ये एक होता, जैसे सी अगर ऐसे होता कि 1 2 3, तो हम बोल सकते थे कि सी ए का सबसेट है, लेकिन ये कोस्टर के अंदर है बच्चों, इसलिए हम इसको बोल देंगे कि ये ए सी का सबसेट नहीं है। तो यही तो पूछा था, यदि नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए, हमने एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे देखिए ये एग्जाम्पल्स भी होते हैं खत्म। अब बच्चों एक चीज और यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? पावर सेट क्या होता है ये जानेंगे हम आज। पावर सेट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो पावर सेट क्या होता है, इसको बोल देते हैं हम घात समुच्चय। घात समुच्चय इसको बोल सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा? जैसे समुच्चय ए हम मान लेते हैं, ये है एक दो, ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या हो सकता है? देखिए हम पावर सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? पी से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। तो पावर सेट क्या हो सकता है? फाइ एक दो
और ये इसमें पूरा आ जाए, एक और दो, और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाते हैं बच्चों यहाँ पे पावर सेट। अब इसकी परिभाषा आप बोले, हम हर किसी की परिभाषा भी करते आए हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा हम करते हैं कि समुच्चय A के, जो ये समुच्चय A दिया हुआ है, इसके उप समुच्चय के संग्रह को A का घात समुच्चय कहते हैं। यानी समुच्चय A के जितने भी उप समुच्चय बनते हैं उनके कलेक्शन को, उनके संग्रह को हम घात समुच्चय कहते हैं, या फिर पावर सेट हम बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे जो आपको दर्शाई गई है। इसे किससे निरूपित करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, PA से इसको निरूपित करते हैं। और जो PA का प्रत्येक अवयव है वो क्या होता है, वो एक समुच्चय होता है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे कि जो पावर सेट है, पावर सेट का घात समुच्चय का हर एक अवयव, जैसे ये फाइव इसका एक अवयव है, ये अलग से भी तो एक समुच्चय है, रिक्त समुच्चय बोलते हैं इसे। दूसरा देख लीजिए, ये वन है लेकिन ये किसके अंदर है, कोस्टर के अंदर बंद है, तो ये भी एक अलग से समुच्चय हो गया बच्चों, ठीक है। जैसे दो है, ये भी समुच्चय हो गया। इस तरह से इसके जितने भी अवयव हैं वो अपने आप में भी एक समुच्चय है। तो इसकी डेफिनेशन आप जरूर अच्छे से करें, डेफिनेशन में यहाँ पे लिख भी देता हूं, ताकि अगर आपको, देखिए बच्चों ये बेसिक समझ में आएगा तभी आप इसके आधार पे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं डेफिनेशंस पे और इन चीजों पे इतना ध्यान देता हूं कि अगर आपको एक बारी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, समुच्चय A, अभी ये एग्जाम्पल की मदद से हमने सीखा था, इसीलिए उसी के आधार पे यहाँ पे परिभाषा लिखी जा रही है। समुच्चय A के, यदि समुच्चय A के उप समुच्चयों के संग्रह को A का घात समुच्चय कहते हैं, इससे इसे निरूपित करते हैं, ये भी आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसको PA से निरूपित करते हैं। PA से निरूपित करते हैं तो PA क्या होता है, PA का प्रत्येक अवयव, PA का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। तो ये चीज है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं इसके बारे में कि क्या क्या कहलाते हैं। अब देखिए कि इसकी डेफिनेशन प्लस हमने एग्जाम्पल कर लिया, तो उम्मीद है कि आपको पावर सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी के आधार पे अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब एक चीज और है बच्चों जो आपको यहाँ पे सीखनी है, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते, देखिए नाम से ही आपको काफी सारा आइडिया हो गया होगा, इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे।
सार्वत्रिक समुच्चय इसको हम बोलेंगे। तो उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि जैसे मानव जनसंख्या है उसके अध्ययन के लिए विश्व के समस्त मानव का समुच्चय क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो जैसे हमने कोई भी स्टडी करनी है तो उसकी हम सारी चीजें उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तभी वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। बस इतना सा है ये इसका बेसिक। अब हम बच्चों क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो एक बारी कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ताकि आगे आप उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर पाए। तो एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थानों में प्रतीक कौन सा है, ये सिंबल सबसेट का। तो या तो सबसेट है या नहीं है, इसको भर के सही आपको स्टेटमेंट बनानी है, मतलब आपको ये बताना है कि ये सबसेट होगा या नहीं होगा, इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो ये तो बहुत इजी है, अभी हमने एक एग्जांपल भी किया था, बिल्कुल फिर से वही वाला क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। तो बताइए इसमें सेट दिया हुआ है 2, 3 और 4, क्या ये समुच्चय इसका समुच्चय है, सबसेट है, उपसमुच्चय? 1, 2, 3, 4 और 5, हमें इसके एलिमेंट्स देखने हैं, क्या 2, 3, 4 इसमें है, तो 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो ये अगर इसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2, 3, 4 इसका क्या है, उपसमुच्चय है। इस तरह से बच्चों आप करेंगे इनको। अब अगला वाला देखिए, एबीसी है, पहले सेट में क्या है एबीसी, तो दूसरे सेट में भी एबीसी होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे बीसी तो दिख रहा है पर ए नहीं दिख रहा, तो होना तो ए भी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं इसको बोलूंगा कि ये सबसेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। इसी तरह बच्चों और भी क्वेश्चंस आपके सामने देखिए। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है। उसके बाद बोला गया एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। बच्चों सबसे पहले जब उपसमुच्चय का हम बात कर रहे थे तो यही एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था, इस एग्जांपल की मदद से कि उपसमुच्चय क्या होता है। तो अब इसको तो आप आसानी से बता ही सकते हैं कि देखिए जो बच्चा क्लास 11वीं में होगा वो उस विद्यालय का छात्र तो होगा ही होगा, अपनी क्लास का भी छात्र होगा, तो मतलब जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं वो उस विद्यालय के विद्यार्थी होंगे, इसीलिए ये इसका सबसेट हो जाता है। और काफी सारे क्वेश्चन हैं, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है, एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो कोई सर्कल है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, कोई भी साइज हो सकता है इस सर्कल का, बस ये बोला गया एक समतल में है। उसके बाद बोला गया एक समान समतल वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है, त्रिज्या कितनी है, एक इकाई है। अब देखिए बच्चों जिसकी त्रिज्या इसमें बोल दी गई है एक इकाई है, लेकिन जो ये समतल में वृत्त है इसमें तो कोई भी इसका साइज हो सकता है, कोई भी इकाई हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो ये सब तो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इसमें तो एक इकाई बोल दी गई है, इसीलिए बच्चों ये इसका सबसेट होगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अब ये आपका होमवर्क होगा कि आपको पता लगाना है, फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा सबसेट है और कौन सा नहीं है, ये आप खुद करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे किए गए हैं उनको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, अपना होमवर्क भी जरूर कीजिए आप। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।